पहाड़ी नगर अल्मोड़ा में कई क्षेत्र सड़क से जुड़े नहीं होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की इस समस्या को देखते हुए अब अल्मोड़ा पालिका ने नगर के इन क्षेत्रों में एक्सेलेटर लगाने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर पालिका ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने बताया कि अल्मोड़ा के लोअर मॉल रोड के खासकर पश्चिमी ढाल के लोगों के लिए मुख्य बाजार में आने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग पैदल चढ़ाई चढ़कर मुख्य बाजार तक पहुंचते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए पालिका ने इस क्षेत्र में एक्सेलेटर लगाने का निर्णय लिया है। एक्सेलेटर लगाने से लेकर पालिका ने एक प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन से अनुमति मिलने पर जल्द ही एक्सेलेटर लगा दिया जाएगा। अल्मोड़ा से सोनू सजवाली की रिपोर्ट। अल्मोड़ा नगर की समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे जो अल्मोड़े के पश्चिमी ढाल की ओर के निवासी हैं, और जो लोअर माल बन गई है और उसके नीचे भी एक रोड निकल गई है, तो वहाँ से मुख्य बाज़ार में आने के लिए लोगों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमने सरकार को ये सुझाव दिया है कि एक एक्सीलेटर नीचे लोअर माल से लेके अपर माल तक के बीच में एक एक्सीलेटर लगाया जाए, ताकि नीचे से ऊपर आने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। एक्सीलेटर लग जाएगा तो उससे देखिए सबसे बड़ी बात है कि रोड काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, रोड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और दूसरा कहीं मलुआ उसका नहीं होता है, कहीं जो पर्यावरण भी उससे प्रदूषित नहीं होता है, और आने जाने के लिए भी सुगम होता है। जैसे रेलवे स्टेशनों में एक्सीलेटर की सुविधा होती है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं, और सरकार का भी व्यय जो है वो रिकरिंग व्यय आवर्तक व्यय नहीं होगा।